गाजीपुर में बुधवार को चक्रवाती तूफान आंधी और बारिश से कई इलाकों में नुकसान देखने को मिला है। गाजीपुर के जमानिया, भदौरा, सेवराई और दिलदार नगर इलाके में तेज आंधी के साथ बारिश भी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक आंधी की वजह से दिलदार नगर क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। हवा का दबाव इतना तेज रहा कि बिजली के खंभे और आम के मजबूत पेड़ भी गिर गए। कई लोगों की झोपड़ियों और घरों का लगा करकट भी आंधी की चपेट में आ गया। लोगों के मुताबिक ये महज संयोग रहा कि जान की क्षति नहीं हुई, वरना माल का नुकसान तो हुआ ही। दिलदार नगर क्षेत्र में बुधवार को दोपहर करीब 3:30 बजे चक्रवाती आंधी तूफान और बारिश आया। दिलदार नगर में सबसे अधिक नुकसान वृक्षों को हुआ है। बिजली के पोल, तार और टिन शेड भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। तूफान की वजह से हुए नुकसान के चलते दिलदार नगर में बिजली की आपूर्ति भी बाधित है। मौसम विभाग के अनुसार ये अम्फान तूफान आने का असर था और इसकी सूचना पहले से ही दे दी गई थी। बताया जा रहा है कि चक्रवाती तूफान की वजह से दिलदार नगर में दर्जनों पेड़ टूटकर गिर गए हैं। कई पेड़ों के गिरने से बिजली के पोल भी उनके साथ दबकर गिर गए हैं। इस वजह से बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई है। जगह जगह पर बिजली के तार भी टूटने की सूचना मिली है। आम के मौसम में आए तूफानों से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। आलम यह रहा था कि करकट, टीन शेड तो उड़ा ही, घरों के ऊपर लगे सोलर प्लेट भी उड़ गए। आधे घंटे के चक्रवाती तूफान से लोगों को हजारों रुपए के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में जेई तापस कुमार ने बताया कि चक्रवाती तूफान से कई जगहों पर बिजली के पोल और तार टूट के गिर गए हैं, जिससे बिजली आपूर्ति पूरी तरीके से ठप हो गई है। गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।